सीएम फ्लाइंग ने आज फिर सूचना के आधार पर एक हॉस्पिटल पर छापा मारा है। यह हॉस्पिटल काली देवी रोड पर स्थित है, एक गली में जिसका नाम रमन अस्पताल बताया जाता है। इस हॉस्पिटल पर 30/9/2020 को पहले भी रेड की गई थी और इस डॉक्टर की डिग्रियां ऊपर यानी वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई थी। पुनः सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली कि यह डॉक्टर यानी कि फिर से हॉस्पिटल चला रहा है और इसकी डिग्रियां वैध नहीं हैं। डॉक्टर का नाम आनंद कुमार बताया जा रहा है और इसकी सारी की सारी डिग्रियां अवैध व बोगस मिली हैं। सीएम फ्लाइंग के साथ में एमओ हॉस्पिटल के और ड्रग कंट्रोलर सुरेश चौधरी भी साथ रहे, जिन्होंने यह बताया कि इसकी डिग्रियां सारी बोगस हैं और इसकी सारी की सारी दवाइयां भी सील कर ली गई हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी सील कर लिए गए हैं। लोकल पुलिस इसको अपने साथ ले गई है और इसके विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। हम खड़े हैं रमन हॉस्पिटल के सामने, जहाँ सीएम फ्लाइंग ने और ड्रग कंट्रोलर ने रेड मारी है और यहाँ पर उस डॉक्टर को जो पहले 30/9 को पहले भी इस हॉस्पिटल में रेड लगी थी, जब इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली भेजे गए थे, आज जो रेड लगी है वो बोगस वेरिफिकेशन करवाने के बाद पता लगा है कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स बोगस थे और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ सीएम फ्लाइंग के राजवीर ने बताया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सारी सारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। आपने यहाँ रेड की है जो अपना नाम पूरा डेजिग्नेशन बताइए। मैं सुरेश चौधरी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हिसार। यहाँ रमन हॉस्पिटल के जो प्रोप्राइटर है, मालिक है डॉक्टर आनंद कुमार, इनके बारे में पहले एक शिकायत मिली थी और भी कुछ हॉस्पिटलों के बारे में मिली थी। 30/9/2020 को यहाँ एक पहले भी रेड हुई थी जिसमें इन्होंने ये डिग्री दी थी आनंद कुमार ने कि मैं एक वैलिड बीएमएस डॉक्टर हूँ जिसका रजिस्ट्रेशन इन्होंने बताया था दिल्ली से मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो टीम ने उस डॉक्यूमेंट को उस दिन कब्जे में लिया सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में, जिसमें बहादुर साहब इंस्पेक्टर थे, जिसके नेतृत्व में इसको रेड की गई थी और उस डॉक्यूमेंट को जाँच करवाएगा। जाँच के अंदर जो सेंट्रल ब्यूरो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन है, बीएमएस डॉक्टरी काउंसिल है, उन्होंने एक लेटर लिखा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अफसर को और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को नल एंड वाइट बोगस फेक बताया, मतलब जिसके तहत ये डॉक्टर आनंद कुमार जो मौके पर प्रेजेंट है एक वैलिड डिग्री नहीं रखता और एक वैलिड ऑथोराइजेशन इसके पास नहीं है जिसके तहत ये एक एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता हो, बोगस डिग्री पाई गई है। और आज उसी संदर्भ में 30/9 के कंटिन्यूएशन में और सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में दोबारा से डॉक्टर सुरेंद्र को मेडिकल अफसर है और ये टीम आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर जो टीम, इन्होंने दोबारा से उसी के संदर्भ में फेक डिग्री पाए जाने के तहत यहाँ रेड की। रेड के दौरान इनको वो डायरेक्टर दिखाया गया, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए और दोबारा जिसे पूछा कोई वैलिड आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई ऑथोराइजेशन है जिसके तहत आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पेशेंट भी काफी थे, तो इन्होंने कोई ऑथोराइजेशन वैलिड डिग्री या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। मौके पर जाँच की गई, जांच के दौरान यहाँ 30 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो सारे प्रैक्टिस के अंदर काम आते हैं। डॉक्टर की टीम ने उसको आइडेंटिफाई किया, उनके नाम और एक लिस्ट तैयार की है, सभी 30 प्रकार के लिस्ट को एक हमने कब्जे में ले लिया। मौके पर जो मैंडेटरी है एज ए डॉक्टर, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी हॉस्पिटल चलाता है जिसके तहत मैंडेटरी है, यदि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है तो उसको एक ओपीडी रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, पेशेंट का डाटा सब कुछ रखना होता है। इसके पास मौके पर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड ऐसा किसी टाइप का नहीं मिला, काफी हमने ब्लैंक इसको सर्टिफाइड करवाए हैं, इसके पैड लिए हैं मौके से जिसमें ये इन्होंने आनंद कुमार डॉक्टर अपने आप को बताया और इन्हें स्टेटमेंट भी दिए, सभी डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड रजिस्ट्री जैसे जो भी सामान मिला उसको सीज कर लिया गया है। इस हॉस्पिटल का नाम बताइए, रमन हॉस्पिटल हांसी है, सीज कर लिया गया है और बाकी पुलिस साथ है, कार्रवाई साथ की जाएगी, सारी कार्रवाई आगे आगामी कार्रवाई पुलिस को दे दी जाएगी और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर के खिलाफ किन सेक्शंस के, डॉक्टर के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 15-2, 15-3 एंड सिटिंग जो कि जारी डिग्री है वो देनी है 420 की तहत मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल को सील किया जाए, हॉस्पिटल ने इसको रिकवरी कर लिया, मौके पर कर लिया, हमने इसमें जो ले लिया, राउंड अप कर लिया डॉक्टर को, अभी राउंड अप पुलिस साथ ही खड़ी है, अभी एप्लीकेशन देंगे, मौके भी देंगे, मौके इस संदर्भ में हमने पहले भी 30/9/2020 को रेड की थी,
और उस रेड में इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, डिग्रियां वगैरह पेश की थी, उनकी वेरिफिकेशन करवाई हमने। वेरिफिकेशन में वो अवैध मिली, तत्पश्चात ये कार्रवाई की गई। अब लहर में इस तरह के सर और भी कोई जानकारी में है चल रहे हैं हॉस्पिटल, अगर है तो इस प्रकार की कार्रवाई दोबारा की जाएगी, वहाँ भी रेड की जाएगी। आप इसके ऊपर आपने मामला दर्ज कर लिया है? हाँ, इसमें अभी हमारे साथ लोकल पुलिस, अभी हम तहरीर दे रहे हैं, अभी FIR दर्ज हो रही है। और इसको स्पॉन्टेनियसली राउंड अप कर लेंगे? हाँ, ये आगे लोकल पुलिस का काम।